हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फखर सबजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड बरतानिया का एक और प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है और नया प्राइम मिनिस्टर जो आया है ऋषि सोनक साहब, ताल्लुक उनका हिंदुस्तान से। और इससे पहले भी जब लिज ट्रस आ रही थी उस वक्त भी बहुत ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उस वक्त उनको उतने वोट नहीं मिले कि ये प्राइम मिनिस्टर बनते। लेकिन आफ्टर 45 डेज उन्होंने उसके बाद रिजाइन किया और इनके लिए बिल्कुल मैं कहता हूँ रास्ता साफ हुआ और ये प्राइम मिनिस्टर बने। और बहुत सारी बातें हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया में हो रही हैं कि कोई ज़माना था कि बरतानिया की हुकूमत हुआ करती थी इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, 200 साल उन्होंने हुकूमत की, लेकिन आज इनके लोग जाके वहाँ पे सर्व कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उस तरह की हुकूमत नहीं कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने हमारे ऊपर की, बट फिर भी जो भी है यही इसी कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट के लोग जाकर और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर बैठे हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर की सीट मेरे ख्याल हाइएस्ट गालिबन सीट मैं कहूँगा इसके पूरे कंट्री को लीड करना, क्या हो सकता है और जो क्राइसिस है उसमें से मुल्क को कैसे निकाल सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। और बात करने के मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, यकीनन आप सबके जाने पहचाने सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फखर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन सर। अच्छा सुमित भाई, एक तो ये बताइएगा कि ऋषि सोनक के ऊपर हमने लास्ट भी गालिबन 1.5-2 माह पहले हमने शो किया था और उस वक्त भी बहुत क्लोज गए थे ये कि चांसेस बहुत हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के इंग्लैंड बन जाए, लेकिन फाइनली उनकी किस्मत में वो ताज था और उनके सर पे सज गया। क्या कहते हैं इंडियन के एक इंडियन ओरिजिन का आदमी जाता है और आज बल्कि मैं पिक्चर देख रहा था रेड कलर की डोरी बांधी हुई है और गीता के ऊपर उन्होंने वोट लिया है जो एज ए प्राइम मिनिस्टर वो ले रहे थे, क्या कहेंगे इस हवाले से, कितनी बड़ी अचीवमेंट है? देखिए फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद सर। निसंदेह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कारण क्या है? कारण ये देखिए, कारण इतिहास में छुपा है। देखिए, उन्होंने 200 साल हम पे राज किया, केवल 200 साल राज ही नहीं किया। एक कहावत है, दे नेवर वर्क टू बिल्ड लंदन, दे लूटेड द होल वर्ल्ड एंड बिल्ड लंदन। इंडियंस आर वर्किंग टू बिल्ड इंडिया, Americans work to build America, but they looted the whole world and built London. कॉलोनियों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब जानते हैं। मैं दो चार चीजें गिनाऊंगा, मतलब इतिहास में ना जाए शॉर्ट में। देखिए, हमारे यहाँ से $45 trillion का GDP वो चूस के निकल गया। $45 trillion is 50% of global GDP। हमारा वर्ल्ड ट्रेड में तब कॉन्ट्रीब्यूशन था 33%, हमें लेस देन 1% पे छोड़ गए। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को छोड़ गए लेस देन 40 साल। हमारी लिटरेसी रेट को छोड़ गए लेस देन 20 साल, ठीक है। और हमें छोड़ गए फ्रेजाइल 5 पे कि ये टूटने वाली 5 है। जब चर्चिल से पूछा गया, और थोड़ा आगे जाऊं तो बंगाल फेमिन में 30-40 लाख लोग हमारे मर गए, सबको पता। अगर वहां हिटलर का जेनोसाइड की बात होती, इस जेनोसाइड की बात कोई नहीं करता, चर्चिल ने कराया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। 9 साल के महाराजा से कोहिनूर ले गए और अभी भी क्वीन की जो पेजेंट्री हो रही थी उसमें वो कोहिनूर ऊपर दिख रहा था, राइट। जलियांवाला बाग में आपको पता ही है क्या हुआ, बिल्कुल बड़ा यादगार वाक्य है। अगर उसे पूछा कर तोप गुस्ती, कहता हाँ तोप गुस्ती, पर मैं तोप घुसा नहीं पता। कुछ तुम चलाते, कहता हाँ बिल्कुल चलाता। ये मैंने आपको चीजें दिखाई कि मतलब क्या क्या हुआ, हमें तोहफे में देंगे। अब कोई लोग ये कहते हैं तुम्हारे लिए विक्टोरिया टर्मिनल बना गए, तुम्हारे लिए ये बना गए, वो बना गए। मैं कहता हूँ भाई, ईंट गारा पत्थर सीमेंट लोहा मजदूर क्या तुम सफेद घोड़े पर रख के बरतानिया से लाए थे? मिट्टी यहाँ की, जमीन यहाँ की, लेबर यहाँ का, ईंट गारा पत्थर सीमेंट सब यहाँ का, तो तुम क्या लाए भैया? पैसा भी हमारा, या तो तुमने पैसा वहां से भिजवाया, पैसा भी हमारा, तो हमारे पैसे से अपने स्ट्रक्चर पे तुमने स्ट्रक्चर बना लिया, तो वो तुम्हारे बाप का हो गया। सच्चाई तो डायरेक्ट में बात करता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और चर्चिल से जब पूछा गया, जब बंगाल फेमिन में, फखर भाई कह रहा है देखिए, पहले इंडिया की सप्लाई अपने वॉर को डाइवर्ट कर ली, 30-40 लोग हमारा मरा है वेस्ट बंगाल में। रोज कलकत्ता की स्ट्रीटों से लाशें उठानी पड़ती थी उसे। फिर एक ऑस्ट्रेलिया में सप्लाई आ रही थी छोटी मोटी, उसको भी उसने थाईलैंड डाइवर्ट कर लिया। तो उसको बोला कि भाई ये तुमने क्यों किया? कहता दीज इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, इसे इनका क्या 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 फर्क पड़ता। और दूसरी बात सुनिए, उसने कहा कि भाई मैं डार्विन का प्रोजेनी हूँ, डार्विन का मेरा ब्लड लाइन है, एंड आई एम हियर टू नॉट रूल यू बट टू लिबरेट यू। आपको मैं लिबरेट करूंगा तुम पे, मतलब तुम्हारे बाप पे एहसान करूंगा तुम पे हुकूमत करके। आज देखिए, ये यहाँ ये हमें छोड़ गए थे 75 साल, फाइव टॉप 5 बिगेस्ट इकोनॉमी, इनसे बहुत आगे निकल गए जीडीपी में, क्लाउड में, पॉलिटिक्स में।
आज उसी कॉलोनी का हुआ एक इमिग्रेंट लड़का जो हिंदू है, कहता मैं आई एम अ ब्रिटिश हिंदू, महादेव का भक्त हूँ, हाथ पे अपने वो रिलीजियस धागा लगाता है, आज वो इनका प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री से ऊपर कुछ होता नहीं, लोग कहते थे आप सीईओ बन रहे हैं, मैं कह रहा आप तो प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं, कुछ लोग कहते थे आप सीईओ बनवाते हैं, मैंने कहा आप ये भी बोलोगे हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, भाई अगर हमें प्रधानमंत्री बनाने की सलाहियत आ गई तो आई कॉम्प्लीमेंट गवर्नमेंट, आई कॉम्प्लीमेंट, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसी सलाहियत आ गई तो इससे बढ़िया सलाहियत क्या होगी? आप मतलब फखर भाई, मैं आप आज एक दोस्त आया था, मैं उससे थोड़ा बात कर रहा था, उसने बोला वो मुझे यूके से ही फोन कर रहा था, मेरा काफी पुराना दोस्त है वहां रहता है, वो बोल रहा कह रहा यार पहले आज यहाँ यूके में एक जोक चल रहा है। मैंने कहा क्या वो जोक चल रहा है? कह रहे पहले तुम कहते थे यू आउटसोर्स योर बैक एंड टू इंडियंस, देन यू आउटसोर्स योर आईटी टू इंडियंस, देन यू आउटसोर्स योर स्पिरिचुअलिटी टू इंडियंस, नाउ यू आर आउटसोर्सिंग योर गवर्नेंस टू इंडियंस। मुझे वो कह रहा है ब्रिटिशर है, कह रहा भाई कोई नया मॉडल बना रहे हो क्या, सब देशों के पास जा रहे हैं। बोले ऐसा है तो हम तुम्हारा सब चलाएंगे, जो गवर्नमेंट से ये भी हमें दे दो, हमारे पास गवर्नमेंट रहेगी तो देश भी चलता रहेगा, छोड़ो हमारे पास लोग बहुत है चला। शपथ ली थी, अच्छी बात है ये। और इस सब के बाद ये मैंने आपको फकर भाई कुछ चीजें गिनाई, हमें कितना चूज गए थे, कितना हमें निचोड़ के छोड़ गए थे, पर देखिए प्रकृति और प्रवृत्ति का चलन ऐसा होता है, किसने सोचा था 75 साल बाद कर्मा कम्स बैक, हम तो कर्मा में मानते हैं ना, कर्मा कम्स बैक, देखिए आज ये दुनिया के स्टेज पे प्रूव हो गया। अब आप देखिए एक और बात है, ऋषि सुनाक की बात करें, देखिए अच्छा खासा रईस आदमी, $750 मिलियन की वक्त है इसकी, दो बेटियां, बहुत पैसे वाला दो बेटियां, नारायण मूर्ति साहब की बेटी से इनकी शादी हुई है जो इन्फोसिस के ओनर है नारायण मूर्ति साहब, दो बेटियां ऋषि सुनाक जी की, और इनकी जो नारायण मूर्ति है, अगर हमारे कहावत है कि पश्मीना बहुत नरम होता है, वाकई ही करोड़पति अरबपति आदमी, इतना नरम डाउन टू अर्थ आदमी देखा नहीं। इनकी वाइफ अभी साउथ इंडिया में एक मंदिर है उसके बाहर महीने में एक बार जाके सब्जी बेचती है, एक बार हर महीने, जबरदस्त। और ये करोड़पति अरबपति है, कोई शोशा नहीं, कोई नहीं, आप इनकी वाइफ को देखिए लगता है इतने बड़े आदमी की बीबी है, कोई कुछ नहीं है, कोई बिल्कुल नॉर्मल रहने वाले लोग हैं। अब नारायण मूर्ति साहब का स्टेटमेंट है आई एम प्राउड ऑफ ऋषि सुनाक, अब देखिए नारायण मूर्ति साहब की बेटी होगी, हमारी तो बहन जैसी होगी, तो हमारा तो वहां से भी रिलेशन टूटता है, भाई हमारी बहन से शादी हुई हम तो ये मानते हैं, छोटी बहन हमारी शादी, बिल्कुल। तो यहाँ मतलब तार कहीं ना कहीं जुड़े हैं। अब ऋषि सुनाक अमीर आदमी है, सब कुछ है। अब आप सियासत पे आए फकर भाई, देखिए सियासत में क्या हुआ, सियासत में पहले खड़े हुए बोरिस जॉनसन का अप्रोच हुआ, ब्रेक्सिट हुआ, सब कुछ हुआ। अब कोविड के टाइम में ऋषि सुनाक ने अपनी इकोनॉमी को बहुत बेहतरीन चला, जो यूके की इकोनॉमिक हालत थी, और मैं तो आपको फकर भाई 9 महीने से 6 महीने से कह रहा हूँ यूके में हालत खराब है। वैसे बाय द वे पूरी स्टोरी ब्लूमबर्ग ने भी छापी और मैंने पढ़ी है सर, उस पे एक अलग शो करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपकी बहुत सारी चीजें, यकीन करें मुझे याद आ रही थी जो आप मेरे शोज में और बाकी शोज में बोलते रहे, तो वो नंबर भी वही आ रहे हैं। बिल्कुल सही एग्री कर रहा हूँ, मैंने बिल्कुल पढ़ी है, तो आज नंबर भी वही आ रहे हैं। तो अब मजे की बात क्या, मैंने आपको बताया हो रहा है इन्होंने कोविड में मैनेज किया, फिर वहां सियासत हुई, सियासत क्या हुई, ये लास्ट टाइम भी प्रधानमंत्री बनते बोरिस जॉनसन ने बोला हरेक को वोट करना, ऋषि सुनाक को वोट मत करना, ये ऑन रिकॉर्ड, मैं इसमें कोई एनालिसिस नहीं, ऑन रिकॉर्ड ये रह गए। फिर वो डिस्ट्रेस आ गई और वो शुरुआत ब्रेमन वगैरह आ गए, आप जानते फिर क्या फियास्को हुआ क्या नहीं हुआ। अब 43 दिन में चीज वो हट गई, अब इन्होंने फिर अब बोरिस जॉनसन साहब फिर गेम में आते, मैं भी खड़ा हूंगा जी, हाँ बिल्कुल। हुआ क्या फगर भाई, दुनिया में इतना बैकलैश आ गया, क्योंकि मैंने शुरू से कहा था अपने नेशनल टीवी पे भी, मैं कहा ये सारा जो पपलू बिठाया है ना, पपलू ताश के पत्ते जो बिठाए, बोरिस जॉनसन की बिठाए, उसे पता लिस्ट्रस आएगी, उससे चलेगा नहीं, फिर बोलूंगा ठीक है ऋषि सुनाक बन नहीं सकता तो मैं कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट बन के आऊंगा, पर इकोनॉमिक हालत हो गई खराब, यूक्रेन और इसकी लड़ाई होगी बैकफायर रशिया की, ये जबरदस्ती दूसरों के लबड़े में फंस गए और अपनी वाट लगवा गए। अभी यार इन अ कंडीशन ऑफ हीटिंग एंड ईटिंग है, तो खाने के पैसे या गर्मी करने के पैसे, हीटिंग और ईटिंग में से पीपल हैव टू चूज, ऐसी हालत खराब है। अब हुआ क्या, बोरिस जॉनसन जब ये लगा यार इंटरनेशनल कम्युनिटी में बड़ा आक्रोश हो रहा, बड़ा गुस्सा हो रहा, वो पत्ती गली से निकल गए, फिर खड़ा किया गया मिस पेनी को। अब मिस पेनी को चाहिए था 100 MPs के वोट, 28 MPs से आगे वो बढ़ी नहीं, तो फिर मरता क्या ना करता, फिर लाना पड़ा उनको ऋषि सुनाक को आज भी आने नहीं देते, क्योंकि दूसरा ऐसा बंदा ही नहीं जिसके पास 100 MPs से ज्यादा का सपोर्ट हो जो खड़ा हो सके।
फिर ये पेनी कल तक खड़ी रही 28 वोट से आगे बढ़ी, तो कह रहा जी मैं निकल गई, तो ऋषि सुनाक को मरता क्या ना करता बनाना पड़ा। ऋषि सुनाक को बना उनके लिए कंपल्शन था, ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर बोरिस जॉनसन रहते तो बोरिस जॉनसन बनते, पेनी खड़ा हो नहीं पाई तो बचा ऋषि सुनाक। तो अब ऋषि सुनाक अब चीजें पूछा था कि करेगा क्या क्या। एग्जैक्टली ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जी जी देखिए चार पांच चीजें मेरे जहन में, आप नोट कीजिएगा, ये जरूर करेगा। पहली चीज वो करेगा यूएस इंडिया के साथ एफटीए प्रमोट साइन करने की कोशिश करेगा जल्द से जल्द, क्योंकि 20 बिलियन डॉलर आने का इससे ज्यादा उसके पास फास्टेस्ट तरीका नहीं है। पॉइंट नंबर टू वो ये करेगा, कल ही हो गया जैसे ऋषि सुनाक ने ऑफिस लिया, अब जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर साहब से बात की और इकोनॉमी की बात हुई, कल्चर की बात हुई, फूड क्राइसिस की बात हुई, और साथ में बात हुई रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में आपने देखा नेटो में यूएस यूके और फ्रांस ने ऑलरेडी कह दिया हमें यूक्रेन को लाना नहीं है, ठीक है। अब मैं मेरा आइडिया ये है, क्योंकि पहले दिन अगर ये भारत से बात करे ऑफिस संभालने के एक घंटे में, तो भारत तो शुरू से पीस की बात कर रहा, तो मुझे लगता है ये भी भारत की लाइन पकड़ेंगे। वैसे एक बात बताऊं, पर्सनली आपको बताऊं, जितना मुझे पता लगा है मतलब कहीं इधर उधर से, ये बड़े इन्फ्लुएंस्ड है मोदी जी से, ही इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो अब इन्होंने बोला, मैं बल्कि सवाल पे आ रहा था कि उससे क्या चीज फायदा हो सकती है इनको। ये मतलब लाजमी सी बात है, इंडियन है, अभी थोड़े दिन पहले इंडिया ने क्रॉस किया था ब्रिटिश इकोनॉमी को, पीछे छोड़ दिया था, इस वक्त क्राइसिस में है, तो कितना हेल्प कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी इस वक्त? ऐसे लग रहा है कि वो बल्कि आज मैं एक शो में बता रहा था डॉक्टर इश्तियाक साहब के साथ, वो मुझे बोल रहे थे कि यार उन्होंने अपना एक लेवल ऐसा बना दिया कि वो पूरी दुनिया के ऊपर उनकी नजर होती है और पूरी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है। सबसे बड़ी बात, नजर ऐसी नहीं है कि बाकियों की जिस तरह होती है, इस तरह नजर है कि, और सबसे बढ़कर वो कहते हैं जी अमन हो दुनिया। क्या हेल्प कर सकते हैं ब्रिटिश को? वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि हम आज बात कर रहे हैं कि जी हिंदुस्तान क्या हेल्प कर सकता है इंग्लिस्तान की, हालांकि ये तो मशहूर था कि इंग्लिस्तान क्या हेल्प कर सकता है हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की या इस रीजन की। सर मैं आपको बताऊं, कर्म से बड़ा कोई चीज नहीं है, कर्मा कम्स बैक। ये इसमें हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई की बात नहीं, ये एक इंसानी बात है, इंसानी। बिल्कुल आपसे एग्री हूं मैं, बिल्कुल ये इंसानी बात है। और जिस समय वेद पुराण लिखे गए थे फखर भाई, करीब हजारों साल पहले, ना तब हिंदू था ना मुसलमान था ना सिख था ना ईसाई थी, तब इसको लिखा गया टू ह्यूमैनिटी, इसमें बना मनुष्य व्यक्ति, इसमें हिंदू वर्ड का कहीं जिक्र भी नहीं है। कर्म और किसी भी हिंदू कल्चर में हिंदू वर्ड तो आया नहीं, हिंदू वर्ड तो बहुत बाद में आया, तब इट वॉज टू ह्यूमैनिटी और मानवता। पहली पॉइंट नंबर वन ये आंसर है। दूसरा पॉइंट है, देखिए एफटीए में हम इनकी मदद कर सकते हैं, इकोनॉमी में रिवाइवल की मदद कर सकते हैं। एफटीए में एक वो मोबिलिटी पैक है दैट विल हेल्प ब्रिटिश इकोनॉमी, बाकी इनका हम थोड़ा बहुत इनको वेपन्स खरीदने में, इनके वेपन खरीदने में मदद कर सकते हैं। हाँ हमारी ये मदद कर सकते हैं, वहाँ कुछ अलीबाबा हमारे बैठे हैं, उनके उनका कुछ व्यवस्था करा दो, एक्स्ट्राडिशन है वहाँ हमारी कुछ व्यवस्था कर दो। और जो सबसे जरूरी चीज़ है, दो चीज़ें जो मुझे लगता है ये करेंगे, पहली ये इंडिया वाला स्टैंड लेंगे रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट में, और दूसरी चीज अब यूके हथियार वहां नहीं भेजेगा। और ये मैं आपके दिन से पहले दिन से कह रहा हूँ, जब तक हथियार भेजना बंद नहीं जाएगा ये नहीं होगा। देखिए अमेरिका पड़ गया अलग थलग, अमेरिका पलग जैसे यूरोपियन यूनियन के दो तीन बड़े पावर हट गए, अमेरिका के हौसले हो जाएंगे पस्त। आपने देखा होगा जिस दिन पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस के हिसाब किताब सेटिंग मैड्रिड की, यहाँ रशिया का डिफेंस मिनिस्टर अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर से बात कर रहा था, अरे भाई मैं तो भूल ही गया तुम्हें, बड़ी गलत फहमी हो गई थी यार हमारी, हम चाहेंगे यूके फेल ना हो। यूके फाइनेंशियल हब है, डेमोक्रेसी है, और आज देखिए आज एक और कृपा है ईश्वर की फखर भाई, अब मोदी जी तो खैर है ही है यहाँ पे, वहां कमला हैरिस है और यहाँ यूके में ऋषि सुनाक है, और आप जानते जो बाइडेन की हालत कुछ बहुत बेहतर नहीं है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर ये चीजें हो जाए तो तीन बड़े पावरफुल कंट्री में आज हिंदू और सनातन को मानने वाले लोग हैं, और सनातन कहता है सर्वसंतु निराभयान वसुधैव कुटुंबकम का, वर्ल्ड इज अवर फैमिली। हमारा ये मतलब नहीं कब्जा करो, कोई डोमिनेट करो, कन्वर्ट करो, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बट सर अभी दुनिया को चाहिए पीस, अभी दुनिया को कोई प्रॉस्पेरिटी, अभी दुनिया को लड़ाइयों में नहीं फंसना। और मैं डायरेक्ट बोलता हूँ फखर भाई, ना हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से है, ना इंग्लिस्तान से है, ना अफगानिस्तान से, हमारा दुश्मन और आपका हमारा एक दुश्मन है आजकल, इंसानियत का दुश्मन है चाइना। ये अब दुनिया को मानना पड़ेगा, सुमित पीर को कहते कहते सालों हो गए, पर अब धीरे 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 दुनिया समझ रही है, क्योंकि वो उसके उसके इरादे खतरनाक है भाई। मैं पैदा हूँ राज करने के लिए,
तू साला कोई भी हो तेरे पे मैं राज करूंगा, दैट इज वेयर द डेंजर इज. और चाइनीज इकोनॉमी के जो फजीते उड़ रहे हैं तो वो तो उस पर अलग से बात करेंगे. अभी दुनिया को फखर भाई, मैं वन थिंग शैटर्स माय इमेजिनेशन, आई कैन नॉट फैदम वन थॉट, दैट इज भगवान ना करे, खुदा ना करे, कोई एक और साला कोई वायरस कहीं बना रहा हो. अगर वो आ गया तो हम सोचिए हम कहां पहुंच जाएंगे, कितना पीछे हम जा सकते हैं. ये मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ भाई, इसमें मत बसाना. अभी हमें आगे बढ़ना भाई, हमने इतना नुकसान सहा है, इतनी कंट्रियां भिखमारी की हालत पे हो गई, भिखमंगी हो गई है, कहीं बाढ़ आई हुई, कहीं सूखा पड़ा, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत है, और हम इन्हीं लफड़ों में फंसे पड़े. सर अभी ह्यूमैनिटी को हमारी जरूरत है, आदमी को भी इंसानियत को बचाना है. जमीन ज़राअत और जर जमीन जोरू का फैसला होता रहेगा, अभी आदमी को इंसानियत को बचाने के लिए लड़ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज. मेरे ख्याल सबसे बेशक प्रायोरिटी ह्यूमैनिटी, मतलब दिल खोल के कहता हूँ प्रायोरिटी ह्यूमैनिटी. ठीक. अच्छा, आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि जो वेपन्स जा रहे हैं यूक्रेन को वो अब बंद हो जाएंगे. ये वाली बात इस सीओ में व्लादिमीर पुतिन को नरेंद्र मोदी जी ने सामने कह दी कि भाई बस कर दो, जंगों का जमाना गया है, अब अमन का जमाना है, तरक्की का जमाना है. तो क्या आपको लगता है कि ये जो वो वाला मैसेज है, अगर हम उसको जोड़ दें ऋषि सोनक साहब के साथ, उसको जोड़ दिया जाए तो क्या हेल्प हो सकती है उनकी उस नैरेटिव को मोदी जी के, और कितना प्रेशर आ सकता है बाकी यूरोप पे या फिर अमेरिका पे या फिर मैं कहूंगा व्लादिमीर पुतिन के ऊपर. देखिए, व्लादिमीर पुतिन का जो एरिया है, आप एक चीज, एक स्टेटमेंट आज जंग लोग रोक देगी, एक स्टेटमेंट आज अनाउंस कर दे, आने वाले 20 साल तक यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बना है ना बन सकता है. जंग खत्म, कल जंग का कारण ही नहीं है. परमानेंट नहीं भी करो, 20 साल के लिए कर दो. जी जी. 20 साल में ना पुतिन रहेगा ना ही दुनिया की जियोपॉलिटिक्स सेम रहेगी. सीधी सी बात है भाई, आप आदमी तब अपने कर्मों का जिम्मेदार जब तक जिंदा तब तक ही है ना. बिल्कुल. पर आज जब अब दिक्कत जंग क्यों चल रही है, जंग चल रही है वहां ज़ेलेंस्की को हथियार दे रहा वेस्ट. अगर यूके से हथियार बंद हो गया, फ्रांस भी चाहता कहीं ना कहीं हो, सऊदीज भी चाहते कहीं ना कहीं, नोपेक का लफड़ा चल रहा, दुनिया भर के लफड़े चल रहे दुनिया में. अभी हमें फखर भाई 2023 के बिगनिंग में ज्यादा टाइम नहीं, डॉलर टूटेगा हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा. और जो चाइना की हालत हो रही है, अगर चाइना टूटेगा तो इकोनॉमी वर्ल्ड की ऐसी जाएगी, फिर रिबाउंड करेगी, पहले नीचे गिरेगी, हर कोई नीचे गिरेगा. ये इकोनॉमिक्स का रूल है. हमारे पास अगर आप देखें मसले दुनिया भर के, हमारे पास वीट नहीं है दुनिया में फखर भाई, राइस नहीं है. हम किन लफड़ों में फंसे हैं, हमें ये नहीं पता कि नया पेंडेमिक कौन कहाँ कौन सा वायरस बन रहा है. भगवान ना करे बना रहा हो, अगर बना रहा तो कौन बना रहा है उसकी वैक्सीन. मतलब प्रायोरिटीज ह्यूमैनिटी की है. हम क्या कर रहे हैं ना, हम अपनी प्रायोरिटीज को भूल के उधर उधर के कामों में फंस रहे हैं. अब पुतिन को देखिए, पुतिन को अगर आप ये एश्योरेंस दे दो पुतिन चुप हो जाएगा, ज़ेलेंस्की क्यों फुदक रहा, ज़ेलेंस्की को हथियार मिल रहा, ज़ेलेंस्की को जिसने हथियार नहीं मिलेगा उस दिन बात करेगा यार, आधा एरिया उधर आधा इधर, कुछ इधर बनाएंगे, LOC बनाएंगे, LSC बनाएंगे, कुछ बना के खत्म हो जाएगा मसला. लोगों का मरना काटना बंद हो जाएगा. यूरोप डिफ्लेशन में नहीं जाएगा, यूरोप रिसेशन में नहीं जाएगा, अमेरिका नहीं जाएगा तो चाइना का रिसेशन में जाना कम चांस है. वैसे चाइना तो 100% जाएगा, बट ओवरऑल आपकी हमारी इकोनॉमी थोड़ी बेटर होगी, वर्ल्ड बेटर होगी, आप और हम चैन की नींद सो पाएंगे, लोगों को खाना मिलेगा, गरीब को दवाई मिलेगी. प्रायोरिटी ये है फखर भाई. प्रायोरिटी अभी आग में घी डालने की नहीं, प्रायोरिटी आग में पानी डालने की है. ओके, ऑलराइट. ये आप जितने लोग ये इस विचारधारा को मान लें कि आग में घी डालना बंद कर लो, उतना ही बेटर है. देखिए, अमेरिका बिना यूरोप के सपोर्ट के ये जंग कंटिन्यू नहीं कर सकता. बिल्कुल. और यूरोप में अगर 2-4 पार्टनर निकल के, ये जंग खुद ही ठंडी हो जाएगी. ये खुद धीरे धीरे लोग बातचीत करने लगे, मामला खत्म हो जाएगा. और मैं तो ये बहुत दुआ करता हूँ फखर भाई कि ये जंग फौरन से बेशतर खत्म हो जाए. मेरी बड़ी मंशा है कि ये जंग आने वाले 15-20 दिन में, महीने भर में, अक्टूबर नवंबर में ये खत्म हो जाए. दिसंबर और बुरा होगा. बिल्कुल, हम सबका इसी में फायदा है कि अगर ये जंग रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो मेरे ख्याल बहुत सारे कंट्रीज़ का, जिसमें पाकिस्तान और इस रीजन के बहुत सारे ममालिक शामिल है, उनका फ़ायदा होगा. सर, एक लाइट नोट पे एक सवाल है कि एक तो ऋषि सोनक साहब के ऊपर पाकिस्तान में भी बहुत बहस मुबाहिसे हो रहे हैं कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है,
अगर हम अर्शद शरीफ साहब की बात कर लें, उनकी असैसिनेशन है केनिया में, उस पर भी बहुत बात हो रही है, लेकिन साथ में इस इशू के ऊपर भी बात हो रही है। यहाँ पे कोई लोग दावा करते हैं जी वो पाकिस्तानी है, बल्कि शायद जियो का एक मैंने क्लिप तो मैं नहीं कहूंगा, एक किसी ने वो उठाया हुआ था और ट्विटर पे शेयर किया था, वो कह रहे कि जी पाकिस्तान का एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाला जो है ऋषि सुनक साहब इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर बने। ऑन अ लाइटर नोट, बड़ी अच्छी बात है, मैं कहता हूँ बेशक उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, तब भी हमें खुशी है इस इलाके से, इस रीजन से, इस एशिया से, लेकिन ये क्यों है कि ये दावे, इस तरह के दावे लोग कर रहे हैं कि नहीं जी वो हमारे, कोई कहते कीनिया वाले कहते हैं जी हमारे से उसका ताल्लुक, उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान वाले कहते हैं उनसे हमारा ताल्लुक है। खैर वाइफ के बारे में तो कोई वो कंट्रोवर्सी नहीं है, वो तो वहां की हिंदुस्तान की रहने वाली, और ये भी है, बट क्यों ऐसी चीजें हो रही है इसमें? देखिए सागर भाई, दो तीन चीजें कहूंगा। पहली बात, कहते हैं ना एवरीबॉडी सैल्यूट्स द राइजिंग सन, पहली कहावत तो ये होती है। दूसरी कहते हैं, दूसरे हमारे कहावत है कहते हैं लाला जी के सब साले, दूसरी कहावत ये होती है। चीज बताऊंगा, पहले मैं बीबीसी को देख के हैरान हो गया, बीबीसी ने लिखा ऑफ एशियन ऑरिजिन। मैं कहा एशिया में तो चाइना भी आता है, इसमें तुम्हें चाइनीज कौन सा कैरेक्टर एक बना लू सर सुपर तक, ये भाई चाइनीज कहां से देखता है? मतलब तुम्हें इंडियन या हिंदू लिखने में तकलीफ हो रही है, तुम लिख रहे हो चाइनीज ये एशियन ऑरिजिन क्यों? बीबीसी का दफ्तर यहाँ, बीबीसी रोज इंडिया का पोस्टमार्टम करता है, बीबीसी रोज इंडिया के बारे में उल्टी सीधी खबरें लिखता है, तब उनका पूरा ब्यूरो चीफ बैठा, पर जब ये बात होती तब उसको घुमा देते एशियन। अब जियो टीवी पे आता हूँ भाई, भाई साहब ये ऐसी बात है, देखो अभी मैं पैदा हुआ हूँ, ठीक है, मैं आज पैदा हुआ हूँ, फिर कल को मेरा बच्चा होगा, फिर मेरा उसकी बेटी होगी, उसकी पोती का नामकरण ही आज कर देते हैं भाई। तब तो पाकिस्तान बना भी नहीं था, तब तो पाकिस्तान नाम की चीज ही नहीं थी, तो पाकिस्तान ऑरिजिन का कहाँ हो गया? यहाँ मैं ये भी पढ़ा था, ये वो वाली बात है कि मेरी परपोती का मेरे बचपन में नामकरण आपने कर दिया, कल को सुमित की शादी होगी, सुमित का बेटा होगा, बेटे का बेटी होगी, बेटी के बाद एक और पोती की, उसका हमने नामकरण आज कर देते हैं, ये वही वाली बात है। और जियो टीवी वालों का देखिए, टीआरपी के लिए लोग इतना वो हो जाते हैं। मैंने कहीं अमेरिका में एक और चीज देखी, मैंने पता नहीं कि आई एम नॉट श्योर, अमेरिका में कहीं कोई कह रहा था इसको, इसका नाम है रशीद सुनाक। रशीद सुनाक का पाकिस्तानी ऑरिजिन, किसी ने भी जाना था, मतलब मैंने कहा ऋषि से रशीद बना दिया। अब देखिए सर, वो कहते हैं ना टीआरपी के लिए कुछ भी करेगा, नहीं बात बड़ी बिल्कुल वजन हमारे में एक और चीज कॉमन है, कहते बदनाम होना भी तो नाम होना होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, नहीं ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा एक सुनिए जी, आखिर में एक सवाल मेरे माइंड में आ जाए, यकीन करें मैं क्योंकि दो दिन में ट्रेवलिंग में था, इसलिए इस पे मैं शो भी नहीं कर सका, और बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग है, दो तीन दिन मुसलसल में, रात को मैं काफी लेट आया हूँ। तो एक चीज मेरे माइंड में आ रही थी, ये खबर जब मैंने पढ़ी मुझे खुशी भी हुई, लेकिन अगर मैं यही हमारे एक कपल साहब हमारे हिंदू बरादरी के हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो कहते हैं जी पाकिस्तान में भी किसी हिंदू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो मैंने उसको लिखा, मैंने कहा कपल भाई बात यह है, मैं तो कहता हूँ कि आराम से जीने दे तो ये बहुत बड़ी बात होगी, प्राइम मिनिस्टर ना बनाए लेकिन इंसानों की तरह उनको बेचारों को जिंदा जीने दे, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो खैर ये तो एक अलग चीज है, लेकिन क्या हम पाकिस्तान में या फिर हिंदुस्तान में इस रीजन में अगर कोई यूके ओरिजिन का आदमी आता है, उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की एक और तरीके से थी, लेकिन क्या हम करेंगे या इस तरह ओपन हार्ट के साथ एक्सेप्ट करेंगे? शायद उन्होंने भी ना किया, उसमें भी कुछ चीजें होंगी, लेकिन हम तो पता नहीं क्या क्या शुरू कर देंगे जी, ये तो अच्छा बर्तानिया वाले दोबारा हमारे ऊपर आके हुकूमत करेंगे, इस तरह क्या हम कर सकेंगे? ये इतना बड़ा दिल होगा हम लोगों का? देखिए फखर भाई, मैं पाकिस्तान की सबसे पहले बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की भी, बांग्लादेश सबकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए हमारे खित्ते में थोड़ा मुश्किल है, सच बताऊं मैं डायरेक्ट बताता हूँ, हमारे खित्ते में मुश्किल है बिल्कुल, पर अगर आप एक बात देखिए, ये थर्ड जनरेशन ब्रिटिश है पहली बात जी। दूसरी बात फखर भाई, ये डू प्रोसेस से सिलेक्ट होके आए हैं। अगर आप मान लीजिए अगर हमारे यहाँ कोई आता है बाहर से आके, यहाँ दूसरी जनरेशन है, अब वो एक इलेक्शन लड़ता है, क्या हमारा ये कहना गलत नहीं होगा कि एक चाय वाला हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन जाता है, एक लेबर हमारे यहाँ होम मिनिस्टर बन जाता है, एक छोटे मोटे दुकान करने वाला हमारे यहाँ मंत्री बन जाता है, ये भी यहाँ हो रहे हैं क्यों? अब देखिए, अब मैं आपको बताऊँ, यूपीए की सरकार देख ली, सोनिया गांधी जी के पास में सारी पावर थी, सबको पता है, रिमोट कंट्रोल उनके पास था, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने तो 10-20 साल तक इंडियन पासपोर्ट भी नहीं लिया था, ये भी सबको पता है, इटालियन पासपोर्ट पर थी जी जी। सरदार हमारे यहाँ माइनॉरिटी 1%, प्रधानमंत्री सरदार, मुसलमान माइनॉरिटी 14-15%, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब,
क्रिश्चियन 1%, डिफेंस मिनिस्टर ए के एंथनी साहब, और जो हमारे मिसाइल केसरी चलती इनको बनाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम साहब, हमारे 6 एजुकेशन मिनिस्टर लगभग 30 साल तक मुसलमान रह गए लाइन से आजादी के बाद, पहले नंबर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो ऐसा नहीं, ऐसी यहाँ चीजें हैं नहीं, पर ये सवाल शायद आपकी और मेरी जिंदगी पता नहीं रिलेवेंट होगा नहीं होगा, पर 30-40-50 साल में इसी तरह से जो हिंदुस्तान तरक्की करता रहेगा तो यहाँ लोग आएंगे और एक ये सवाल तब ये कभी उठेगा, हम होंगे नहीं होंगे पर ये सवाल एक जरूर उठेगा। मैं दाद देता हूँ आपकी, यू नो, फ्यूचरिस्टिक सवाल उठेगा। जबरदस्त, और मेरे ख्याल में बिल्कुल सही है। जिस तरह हम लोग चाहते हैं कि जी जर्मनी में कोई पाकिस्तानी हो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या फिर जो भी होता है प्रेसिडेंट बन जाए, फिर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में बहुत सारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी काम करते हैं, अब यूके का प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक साहब बने हैं, उनको तो हम यही कहेंगे मुबारकबाद। और यकीनन इस रीजन के लिए, और मैं ये नहीं कहूँगा कि यार एशिया में, ये कहूँगा हिंदुस्तान, ठीक है। और सुमित भाई ने सही गिला उनका बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि आप एशिया क्यों लिखते हैं, अगर जिस कंट्री से उनका ताल्लुक रहा है या है तो आप बिल्कुल उसका नाम लिखे, ऐसी कोई बात तो नहीं है इसमें कि आपने इंडिया का नाम लिखेंगे तो उससे कोई। जी जी प्लीज। और सर ये लिखा बीबीसी वालों ने जिनको 75 साल हो गए दिल्ली में बैठे हुए। जी बिल्कुल, 75 साल हो गए दिल्ली में बैठे हुए, बेशक बेशक। तो खैर एनीवे हम यही कहेंगे कि इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा ब्राइट की बात है। पहले हमने वही वाली बात की कि सीईओस तो बनते रहे लेकिन अब लगता ये है कि शायद प्राइम मिनिस्टर और फिर आगे जाके प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट भी कुछ कंट्रीज के बनने शुरू हो जाएंगे। इस मट्टी में मैं कहूंगा बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि ये फर्टिलाइज लैंड है, लेकिन अगर अगर हम थोड़ा सा अपनी सोच को चेंज कर लें। और एक छोटी सी सुमित भाई, एक छोटी सी चीज एंड में, आज एक पिक्चर किसी दोस्त ने शेयर की ट्विटर पे, तो हमारे कहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में फर्क कि हम इंग्लिस्तान में क्या भेज रहे हैं और हिंदुस्तान क्या भेज रहा है। उन्होंने ऋषि सोनक साहब की तस्वीर लगाई थी और साथ में वही लोग जो नवाज शरीफ साहब के घर के सामने नाराबाजी करते हैं, तो वहां से किसी खातून की तस्वीर लगाई थी और कहा था ये फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, और मुझे बहुत अच्छी ये चीज लगी इसलिए मैंने ये शो में बोल दी कि वाकई हमने इन तरह की चीजें वहां पे जाके हमने एक्सपोर्ट की है और हिंदुस्तान ने ऋषि सोनक साहब जैसे लोगों को वहां पे भेजा है, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और हमारे वाले पता नहीं कौन से अपार्टमेंट्स हैं उनके सामने पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक नारेबाजी, चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगा रहे होते हैं। सुमित भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में तब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फखर भाई, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।